चार रन। पिछला फाइनल में भी सुपर ओवर हो रामपुर और खंडीप में अगर जीतेंगे यार खंडीप सुपर ओवर को मजा आया वो चलेगी क्यों नहीं चलेगी दूसरा कौन है ये देखो अशोक नाम बीमारी मिट जाती तीन रन चार लक्ष्य मिलता है बैटिंग करवा जाए
ये यार अभी हनुमान जी कर दी वाला आउट हो जाता केस आ जाता तो दो रन दो को लक्ष्य मिलता और एक देखने में बना देता है और का मजा आ जाए कोई पता कौन जान कौन जीतेगा स्ट्राइक दे जब चार गेंद रहे वहां हैं तो चार रन पर तो खूब बांट दे दे हां बन सके Yeah.
ये करते हैं यहाँ से लेकिन उतारी हरी खिलाड़ी जबरदस्त बॉलर हरी की अरे चार चाहिए पांच कहो चौको मैच हार चुकी है टोडा विंग में जीत चुकी है और यह जो गलती की यहाँ पर सब दोनों टीमें अगर आ जाए जल्दी से दोनों टीमें अपने अपने प्लेयर्स के साथ दोनों टीमें आ जाए दोनों बनाना पहले बैठ जाओ एक बार इधर आके अरे भाई बाटी जल्दी से बैठे दोनों टीमें बैठ जाओ प्लीज जब भी सभी थोड़ी उम्मीद यहाँ पर टोडा भीम टीम से की गई बिल्कुल खड़े उतरे यहाँ पर और एक अच्छी टीम जो उम्मीद यहाँ दर्शकों का दिल जीता यहाँ पर टोडा भीम टीम ने और खड़ा बहुत अच्छा खेल दिखाया यहाँ पर बहुत अच्छा अरे सभी भाई बैठ जाओ नीचे यार दो मिनट का काम है सभी बैठ जाओ सभी आपको कैसा लग रहा है हरी जी हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी कौन सी टीम के प्रति रुचि थी हमारी रुचि तो खेल के प्रति थी सभी को पानी तो ये नई टीम उभर के आई है तो अच्छा लगा हुआ होगा आपको टीम आई है टोटल भी आई है अच्छी है और चिरौता आई है वो भी बहुत अच्छी टीम थी लेकिन सेमीफाइनल ही हार गई तो चलो अधिक थे अच्छा ठीक है धन्यवाद जितने भी दर्शक और सभी बैठ जाए यहाँ पे सामने मौजूद है आपके पीछे भी बैठे हुए हैं आप सभी नीचे बैठ जाए पीछे भी बैठे हुए सबको दिखना चाहिए खड़ी टीम से निवेदन है कि आप आगे आ जाइए वॉलंटियरिज्म का समापन किया तो सबसे पहले अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत करना चाहूंगा मैं खड़ी टीम के कैप्टन से शुरुआत करना चाहूंगा इस सेरेमनी की हमारे अंपायर हैं खान सर सबसे पहले तो मैं जितने भी क्राउड यहाँ पे है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा नीचे बैठ जाओ तो मेरा खत्म हो जाएगा और अशोक की तरफ से अच्छी पारी देखने को मिलेगी लेकिन आज जिस तरह से थोड़ा भीम की टीम ने बहुत ही लाजवाब मैं ये कहता हूँ कि ये मैच ये अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में कभी इस मैच को नहीं भूल पाएंगे सबसे पहले मेरे साथ अशोक भाई आए हुए हैं अशोक भाई
फाइनल की चर्चा है, कल भी चल रही थी, आज भी चल रही थी, कल ये बात हो रही थी कि दो साल से आप लगातार चैंपियन हो, हैट्रिक बनाने की तमन्ना दिल में बहुत बसी हुई थी, मगर कहां चूक रही, 107 रन आपकी जो टीम है, 11 के 11 ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छी टीम है, तो कहां चूक रही सर? आज दिन नहीं था, सबसे बड़ी था कि आज दिन नहीं था तो इस वजह से हारू, और चूकते कभी इधर और कभी उधर, बैच बहुत ही अच्छा हुआ, दोनों टीमों को लग रहा था एक बार इधर हुआ फिर इधर हो गया और फिर इधर और फिर इधर, फिर फाइनली टूर्नामेंट जीत गई, तो आज दिन नहीं था, सबसे बड़ी बात है, इसलिए क्रिकेट है और जब दिन होता है तो अच्छा चलता है, दिन नहीं होता तो हार होती है। इसके अलावा क्या कहीं ना कहीं हैरी को बहुत ही नीचे ऑर्डर पे लाना, आपको लगता है कि वहां पे कहीं ना कहीं कप्तान ने ये एक गलत डिसीजन लिया कि हैरी एक ऐसा प्लेयर है, मैं ये समझता हूं कि वो कभी भी मैच को पलट सकता है, आपने क्या उसको नीचे भेजा या आपकी टीम मीटिंग का प्लान था या क्या रीजन रहा जिसकी वजह से वो 90 डाउन पर बैटिंग करने आया? सर दीपक ने बलराम के ओवर निकल चुके थे तो पावर प्ले के दो ओवर बचे हुए थे तो उन्होंने हिटिंग करने का मूड था इसलिए उसको पीछे रखा और कुछ शॉट अच्छे भी लगे लेकिन फील्डिंग इतनी जबरदस्त हुई, आज एक बॉल भी थंबल नहीं उनके हाथ से, तो इसका श्रेय जाता है बहुत ही वेल प्लेयर खेली टीम जीती को, दिन आज मैंने बोला पहले कि दिन नहीं था, दिन के ऊपर डिपेंड करता है और हार हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इधर से मैं फटाफट बुलाना चाहूंगा बलराम को, जिन जिन लोगों को बुला रहा हूँ फटाफट आ जाए, बलराम कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे कि पूरी जनता इन सब का क्या कहना चाहते हैं जनता के लिए? बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो पक्ष में थे जो भी पक्ष में थे उनको भी, कि उनसे हमें थोड़ा हौसला मिला खेलने का, अच्छा करने का मौका मिला और अच्छा करने का हौसला मिला कि हमारे सामने कोई खड़ा हुआ है, बहुत अच्छी टीम है खंडित की जो पहले यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड विनर रही है SPL में, तो बहुत अच्छा खेले, हार्ड लक उनको बोलना चाहूँगा कि कोई नहीं नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे और भी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज आप बैटिंग में नहीं चले लेकिन आपके 11 के 11 बंदों ने जो लग कर खेला है, एकजुट होकर खेला है, कहते क्रिकेट वो गेम है कि आप एकजुट होकर खेलोगे, लग कर खेलोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, तो क्या आप पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा खेली और ये टीम गेम है, किसी भी सिंगल प्लेयर को यहाँ तक नहीं ले जा सकता है, जैसे आपने देखा कि जीरो तभी टीम में कुलदीप प्लेयर नाम का लड़का है, हालांकि मैं उससे परिचित नहीं हूँ लेकिन वो बहुत अच्छा, मैंने उसकी बैटिंग देखी है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, हाई क्लास प्लेयर है, उसके अकेले के दम पे वो फाइनल तक नहीं लेके जा पाया, हालांकि वो सेमीफाइनल के मैं अपने जो साथी प्लेयर जो बाहर बैठे थे जो 16 में भी नहीं थे उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा मेहनत की है कि चोर पाने लेकर घूमते रहे और किसी भी प्लेयर को कभी किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं होनी। शुक्रिया, थैंक यू सर, और आगे की हम सर मैंने IPL के नाम से दर्शकों के या फिर खिलाड़ियों के मन में अलग सा ही जोश पैदा होता है, तो अब SPL हफ्ते की समापन समारोह में अवार्ड सेरेमनी में मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाह रहा हमारे गांव के सरपंच श्रीमान भोजीराम जी, मेरा श्रीमान भोजीराम जी, इनका साथ बनाकर